प्रश्न चार, चित्र के आधार पर कहानी कहिए। बच्चों, इस चित्र को देखकर शायद आपको लग रहा होगा कि अरे ये चित्र तो हमने देखे हुए है, अरे शायद ये कहानी भी हमने सुनी हुई है। तो हाँ, इस कहानी को आपने बचपन में सुना था, अब इस कहानी को हम हिंदी में सुनेंगे फिर से। पहले चित्र को देखकर लग रहा है कि एक बहुत घना जंगल था, उस जंगल में बहुत सारे पशु पंखी रहा करते थे और जंगल का राजा यानी शेर भी उसी जंगल में रहता था। शेर को तो आप जानते ही हैं, वो शेर क्या करता था, वो शेर सभी जानवरों को मार डालता था। इस तरह से बहुत सारे जानवर भी की आबादी कम होती जा रही थी। तो इस विषय पे सारे पशु पंखी चिंतित थे कि अबे हमें कुछ करना चाहिए वरना इसी तरह से हम सब मारे जाएंगे। तो सबने सोचा कि क्यों ना हम शेर से बात करें और बारी बारी से रोज़ एक एक करके हम उसके पास शिकार बन जाएंगे। तो सबने ये बात सोची और शेर से कहा कि भाई आप शिकार मत कीजिए, आपके इस तरह के शिकार करने से बहुत सारे प्राणी ऐसे ही मर जाते हैं, तो क्यों ना हम हमारे में से ही रोज़ एक आपके पास आ जाए करेगा और इससे आपकी भूख भी मिटेगी। तो शेर ने कहा ठीक है, लेकिन आपको देर नहीं करनी है, समय के अनुसार आपको मेरी गुफा में आना है और मेरी भूख होते ही मैं आपको मार के खा जाऊंगा। तो सभी लोग इस बात पे सम्मत हुए। एक बार एक खरगोश की बारी आई। खरगोश बहुत चालाक था, उसको इतना जल्दी मरना नहीं था, तो उसने एक युक्ति सोची। वो जानबूझकर शेर के पास देर से गया। तो क्या हुआ, देर से जाने से वो शेर बहुत गुस्सा था क्योंकि उसे बहुत भूख लगी थी। जैसे ही खरगोश शेर की गुफा में गया तो शेर उसे डांटने लगा, उसे उस पर चिल्लाया। उसने कहा अरे तुझे इतनी देर क्यों हुई। तो खरगोश बोला नहीं नहीं महाराज, क्षमा करे, मैं तो अपने समय से ही घर से निकल गया था, लेकिन रास्ते में मुझे एक दूसरा शेर मिला। वो कह रहा था अरे जंगल का राजा तो मैं हूँ, इसीलिए मुझे आने में देर हो गई। इसी बात पे शेर दोबारा गुस्सा हो गया। वो बोला कौन है, दिखा मुझे वो दूसरा जंगल का राजा, असली राजा तो मैं हूँ। इसी तरह शेर वो भड़क गया। खरगोश को तो इसकी देरी थी, खरगोश तो यही चाहता था। ठीक है, फिर दोनों में बात हुई तो खरगोश बोला कि चलो मैं आपको उस दूसरे शेर के पास लेके जाता हूँ। फिर धीरे धीरे वो एक कुएं के नज़दीक वो शेर को लेके गया और बोला देखिए इस कुएं में आपको दूसरा शेर दिखाई देगा। फिर वो शेर ने ऊपर से झांक कर देखा तो उसको अपनी परछाई वो कुएं में दिखाई दी। वो ज़ोर से चिल्लाया तो अंदर से भी चिल्लाने की आवाज़ आई। शेर को गुस्सा आया, अरे तू मुझे डरा रहा है। तो अंदर से भी आवाज़ आई, अरे तू मुझे डरा रहा है। तो ये सोचकर शेर उसे मारने के लिए वो कुएं में कूद गया और उसकी मृत्यु हो गई। इस तरह से खरगोश की जान और जंगल के बहुत सारे जानवरों की जान बच गई। बच्चों, इस सारे चित्रों को देखकर तो हमें यही कहानी मालूम है। ठीक है, तो आपको कहानी सुनने में मजा आई होगी। स्वाध्याय, प्रश्न एक, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक, हाथी किस तरह से आता है। बच्चों, आपने कविता तो सुनी है, ठीक है, तो आप बताइए कि हाथी किस तरह से आता है। बहुत अच्छे, हाथी धम्मक धम्मक आता है। प्रश्न दो, नहाने के लिए हाथी सुन में क्या भरता है। नहाने के लिए हाथी सुन में पानी भरता है। जिस तरह हमको भी नहाने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, उसी तरह सभी प्राणियों को पशुओं को पानी की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब आगे तीसरा, हाथी क्या खाकर बताता नहीं है।
बच्चों हमें बहुत सी चीज़ें अच्छी लगती हैं तो हम चुपचाप खा लेते हैं, किसी को बताते नहीं। इसी तरह हाथी को केला बहुत अच्छा लगता है तो वो केले खाकर किसी को नहीं बताता। 4, हाथी पानी कहाँ डालता है और क्यों? भाई हाथी पानी अपने सर पर डालता है क्योंकि उसे नहाना है, इसीलिए। प्रश्न 2, चित्र में हाथी के कुछ अंग नहीं है, उन्हें पूर्ण कीजिए एवं चित्र में रंग भरिए। बच्चों आप सबने हाथी को तो देखा ही होगा कहीं ना कहीं, प्राणी संग्रहालय में या फिर टीवी में या फिर मोबाइल में, ठीक है। तो आप सबने देखा ही है कि हाथी का रंग किस तरह से आता है। आपके सामने ये स्क्रीन ऊपर एक हाथी दिख रहा है तो उस हाथी को आपको पूर्ण करना है। कहीं पे आपको वो उसकी टांग, उसकी पूंछ बनानी है, उसकी सूंड बनानी है और उसमें रंग भरना है, ठीक है। तो आप उस हाथी को पूर्ण कीजिए और उसमें रंग भरिए। देखिए स्क्रीन पर हाथी कितना अच्छा दिख रहा है, आपको भी अपनी किताब में इस हाथी की तरह रंग पूर्णी करनी है। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ने में व्यस्त रहिए। अलविदा बच्चों।